अब वापस अपने छत पे चलो 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 चलो। ये आपने मारा, क्यों मारा मुझे बताओ? मैं 12-14 घंटों का सफर करके कबूतर हमारे पास पहुंचे। वो कहते हैं ना, कल कर सो आज कर, आज कर सो अभी कर। पर्शियन वगैरह तो नहीं है? पर्शियन है। कहाँ से इम्पोर्ट हुई है? मेरे सब्सक्राइबर मिल गए। क्या नाम है आपका? सुभान। जो आपको मैं चीज दूंगा ना वो आप खुशी खुशी ले जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन मेरी आवाज़ धीमी होती जा रही है, लोगों की आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती है आवाज़ और मेरी धीमी हो रही है। बस दिन ब दिन गला ख़राब होता जा रहा है। मेरी नज़र इसके ऊपर थी क्योंकि हमारा अपना औकाब भी उसको ही देख रहा था। चूज़ों को मैंने अंदर बंद कर दिया, मुर्गी को बाहर रखा हुआ है। मुर्गी को बाहर बाजरा खिलाएंगे क्योंकि बाजरा फिर गिराती बहुत ज़्यादा, चूज़े खा लेते हैं। आजा मुर्गी आजा। यह हमारे मुर्गी और मुर्गी दोनों को बाजरा आ गया। अभी भी देखें माँ का कितना प्यार था, अभी भी चूज़ों को बुला रही है। थोड़ी देर बुलाती रहेगी, जब चूज़े नहीं आएंगे तो खुद खाना शुरू कर देगी। चल आप भी खा लो। इस वाले पैर ने ना कल वाला हिसाब किया, टकरे मारता था पिंजरे के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से। मैंने इनको खोला नहीं है बाहर, मैंने कहा अगर आज भी खोला नहीं तो इन्होंने वापस नहीं आना। जिधर बाजरा खाने जाते हैं ना वो बंद कर देगा इनको। इधर से जो हल्के हल्के पौधे थे ना मैंने वो उठा के वहाँ पर शिफ्ट कर दिए, वहाँ से उठा के नीचे शिफ्ट करने। अब यहाँ पर यह है कि बाजरा वगैरह हमारा पड़ा हुआ है, कुछ सामान पड़ा है, गमले टूटे हुए पड़े, इनको उठा लेना है। इधर हमारे रैबिट्स माशाल्लाह से इतनी बड़ी और मोटी कैरेट है ना, उसको खा रहे हैं। ये देखिए खाया किस तरीके से, बड़ी सख्त है, हार्ड है, लेकिन इन्होंने खा ली। खा लो खा लो। और ये माशाल्लाह से रैबिट का बनी, कितना क्यूट है यार। गंडा गन्ना अच्छा है, बोलो अच्छा हूँ अच्छा। इधर माशाल्लाह से हमारे कबूतर कितने प्यारे लग रहे हैं। ब्लैक टेल है ना पक्की, वो वाली ब्रीडिंग बास्केट सेलेक्ट कर ली है। और इधर हमारे सेंटीनेल ने सेलेक्ट कर लिया है। इनके लिए मैं थोड़ा सा लेके आऊँ नेस्टिंग मटेरियल, और ये इनको दाना भी रख देते हैं। अच्छा टो टो टो, इस साइड पर दाना आ गया, उस साइड पर नेस्टिंग मटीरियल रख दिया। मुर्गी ने अपना दाना खा लिया, अब मुर्गी को चूज़ों के साथ बंद कर देते हैं। चल भाई फिर भी बारी आ गई है सोने की, बारी अब सोने की, सो जा, अल्लाह हाफिज़। अब यहाँ से सारे पौधे उठा के इस जगह पर शिफ्ट करने हैं। पहले मैंने 2-3-4 रख दिए, और हमारा हीरे का पेड़ यहाँ पर आज बंद था, तो क्योंकि इस छत पे धूप रहती है तो ये थोड़े से नरम गरम है यार। मैंने कहा धूप पे बंद रखें, क्या पता जल्दी ब्रीड करें। अब वापस अपने छत पे चलो 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 चलो। जैसे ये पानी पी लेंगे तो वापस इनको केज में बंद करके ऊपर से कवर कर देंगे, और फिर अपने हीरे पेड़ को यहाँ पर बंद कर देंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि एक कॉलोनी के अंदर ना ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रात को इनकी अपनी जो तपश होती है, गर्माइश होती है ना, उससे वो कॉलोनी गर्म हो जाए। वैसे रात को मैं आते रहता हूँ तो इनकी काफ़ी कॉलोनी गर्म रहती है, क्योंकि जब ये कॉलोनियाँ बनवाई थी ना इसके बीच में मिड में ना सुराख छुड़वाए थे, तो अगर ये वाली इस कॉलोनी में थोड़े ज़्यादा बर्ड हैं उसमें कम बर्ड्स हैं, तो इधर वाली जो तपश है ना इनके अंदर से उधर जाती रही। और जब गर्मी होती है तो इस साइड पे रूम कूलर लगा देंगे, बाहर रख देंगे। इधर से ठंडी हवा इस कॉलोनी में आएगी, फिर इन सुराखों से अगली कॉलोनी में, फिर इसी तरह अगली कॉलोनी में सुराख है उससे अगली कॉलोनी में। तो ये हमारी तीनों कॉलोनियों का तकरीबन सेम टेम्परेचर रहेगा। अब डाइट का टाइम है हमारे हीरे पैर का। आ, 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 आ। इनको भी माशाल्लाह से बंद कर दिया, दाना पानी इन्होंने खा पी लिया, बाय बाय। या तो दिन ब दिन ना दिन ब दिन ये मुझे प्यारे लगने लगे। शुरू में मैं लेके आया था, मुझे ऐसे लगता था जैसे शेवर वो चूज़े नहीं होते 20-25 रुपए वाले। और रसीब ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो 8-पोर्शन वाला केज नहीं है, उसकी पार्टीशन निकाल के ना इससे ये दरवाज़ा बना रहा था। मुझे कह रहा था कि यार रुमान भाई जैसे वो कलर नहीं है ब्लू, ऐसा इसको कलर कर देना। उसके बाद मेरी तबीयत ही नहीं ठीक हो रही यार। एक हमारे कोई भाई हैं, वो रोज़ कह रहे होते हैं हसीब भाई किधर हैं, हसीब भाई किधर हैं। तो यार हसीब भाई अपने काम से, इस्मा भाई अपने काम से, हर कोई यार अपनी लाइफ में बिजी होता है, तो इसलिए ज़्यादातर जो बर्ड्स में होता हूँ वो मैं होता हूँ। बस एक काम में प्रोजेक्ट में लगे हुए, अल्लाह करे वो जल्दी जल्दी से हो जाए, उनका मुकम्मल हो जाए। इन 6 के 6 पोर्शन में तार भी पहुँची हुई है और होल्डर भी लगे हुए हैं, बस थोड़ा सा कनेक्शन वगैरह करना है और लाइटें ऑन करनी है। फिर मेरा एक आइडिया है, लेकिन अब नहीं, कुछ दिनों तक आपको बताऊँगा। मुर्गी की डेली की रूटीन यहाँ पर चूज़ों को लेके बैठ के, भाई कहते हैं जिधर ये बैठी रहती है इसको बैठने दिया करें, लेकिन मसला पता ही क्या है कि यहाँ पर मैं जब इसको शीट से कवर करता हूँ ना, इसको साइडों से हल्की हल्की हवा जाती है तो वो इसको लगेगी, इसके चूज़े बीमार हो जाएंगे। इसलिए मैं इसको कॉर्नर पर बिठाता हूँ, नीचे घास रखा हुआ, ताकि रात को गर्म रहे। ये नहीं जी, तो मैंने कहा था ना गुड न्यूज़ के साथ साथ बैड न्यूज़ स्टार्ट होगी। जैसे ही मैं अंदर आया उसको मुर्गी को बिठाने के लिए, तो ये चूज़ा यहाँ पर मरा पड़ा है। कुछ भी नहीं था इसको यार, कुछ भी, बिल्कुल ठीक ठाक था, इसने दाना भी खाया हुआ है।
यार मुर्गी क्या कर रही है, कसम से मुर्गी क्या कर रही है, पहली दफा बच्चे पाल रही है, गुस्सा आ रहा है मुझे तेरे पे। इस कॉलोनी में मैंने डाली हुई है मिट्टी, और मिट्टी के अंदर जब मेरे ख्याल में बर्ड्स खेलते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्दोगुबार होती है, जिसकी वजह से देखिए सामने सारी दीवारों पर गर्दोगुबार बैठ गई है। तो मैं कल इंशाल्लाह ना यहाँ से मिट्टी निकाल लूँगा और इसके अंदर कोई घास वगैरह रख देंगे, ताकि ये मिट्टी की वजह से गर्दोगुबार ख़त्म हो जाए, और हमारे चूहों को क्या पता गर्दोगुबार की वजह से कोई मसला आ रहा हो। देखिए अभी दरवाजे पर बैठा हुआ ना, अगर इसके पारे दर खुले हुए होते मेरा दिल धक धक कर रहा था, पहने भी हैं तो कोई डर नहीं है। बाय बाय। अभी अपने बर्ड्स की कॉलोनी में आ गए, और हमारी फिंचेस पता नहीं नेस्ट में क्यों नहीं बैठती, ये देखें तीन ये बैठी हुई हैं, हालांकि हर बॉक्स में नेस्टिंग कर रही है, नेस्टिंग कर रही है, नेस्टिंग से पता नहीं इनको क्या मिलता है। ये आ गए हमारे ग्रीन पैरेट्स, अच्छे वाले ये मानूस हो गए थे, मैंने दरवाज़ा खोला ना वीडियो बनाने के लिए, तो वो फिर जाली पर जाके लटक गए। इनको भी डालते हैं यहाँ पर दाना पानी। जी मूसा आ रहा हूँ। मूसा को भी किसी से पता चल गया कि चूजे मार गए, तो मुझे कहता है कि वो चूजे देखो, मैंने बर्ड्स एवरी करना था, तो बाहर से कहता है मान चाचू कौन सा चूजा मारा है, कौन सा चूजा मारा है, ये वाला किसने मारा है, आज रहा मैं तो आपको बताऊँ, जल्दी सोया हुआ था, ये पकड़ लो, ये आपने मारा है, क्यों मारा है मुझे बताओ, मैं उन पर आया मरा हुआ था, मैं आज छत पे आई नहीं, तो आप छत पे थे, क्यों मारा मुझे बताओ, किसने मारा है, फिर आपने देखा था, देखा था आपने मरा हुआ कि नहीं देखा था, नहीं देखा था, नहीं देखा था, आपने मारा है कि नहीं मारा, सच सच बताओ, नहीं नहीं आपने मारा है, नहीं इधर देखो मेरी तरफ, आपने मारा है ना, नहीं, फिर किसने मारा है, किसने मारा है, किसी ने, किसी ने, ऐसे मरता है कैसे मरा है, मुर्गी के पाँव के नीचे है। ओए, सच में मैंने इसको नहीं बताया, वादा बस इसको मैंने नहीं बताया कि मुर्गी के पाँव के नीचे है, इसने खुद ही जज किया। मूसा अब इसको क्या करें, सच बोला है, अच्छा बच्चा है कि इसने नहीं मारा, नहीं एक ही मरा है, बाकी ठीक है, इसको क्या करें, अब इसको फेंक दो, इसको दफन नहीं करें, दफन करें कि नहीं मिट्टी में, करें ये बाहर लेके जाके करना पड़ेगा, बाहर करें, इसको भी साइड पे रख दो, फिर शाम को टाइम जाएंगे, ठीक है। ये जो दो कबूतर है ना, आज इनका बंदोबस्त करने लगो, इनको पकड़ के पर बांधने लगे, आ जाओ हाथ में बचे कबूतर का पूरा मुंह बांध लो, ये ओहो फिर निकल लगा, फीमेल के पर बांध दिया, चेक करते हैं कितना उड़ सकती है, बस बेहतरीन है, इतना उड़ेगी और पिंजरे में चली जाएगी, अब मेल के बांधते हैं, आ जाओ बच्चे, कल भाग गया ना। तो यार आज का सीन कुछ ऐसा है कि हमारे एक बहुत प्यारे यूट्यूबर भाई हैं, मोहिब सरदार पेट्स व्लॉग्स के नाम से उनका यूट्यूब पर चैनल है, आप एक दफ़ा मस्ट विज़िट कर लेना है, और उन्होंने हमारी तरफ कुछ गिफ्ट सेंड किया, अब ये मुझे नहीं पता कि है क्या, इतना पता है कि पीजन्स हैं, उड़ाई वाले पीजन है या शिराजी पीजन है, ये मुझे भी कन्फर्म नहीं, उन्होंने वीडियो सेंड की थी कि रुमान भाई आपको कौन से अच्छे लगते हैं, मैंने कहा मुझे सारे अच्छे लगते हैं, जो आपको अच्छे लगे दिल के करीब हैं आपके वो आप भेजना, तो अब ये नहीं पता कि कौन से हैं। सुबह 5 बजे शहरी के 5 बजे मुल्तान से पिंडी पहुँचे हैं, उन्होंने शाम को कहीं रखवाया या जो भी सिलसिला हुआ, 12-14 घंटों का सफ़र करके कबूतर हमारे पास पहुँचे, यहाँ से काफ़ी दूर थे कबूतर उठाने के लिए, तो मैं नहीं जा सक रहा था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा सख्त ख़राब थी, अलीशा भाई को बोला कि यार आप कबूतर रिसीव कर ले, तो अलीशा भाई ने कबूतर रिसीव कर लिए, शुक्र है उन्होंने रिसीव करके उधर उनको दाना पानी डाल दिया अपने घर में, और यहाँ से मैंने जाना अलीशा भाई की तरफ और वहाँ से उनसे कबूतर लेने, एक मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पर इख्तिताम कर दूँ और नेक्स्ट वीडियो में कहीं दिन के टाइम में लेने जाऊँ, लेकिन एक दिल कर रहा है कि नहीं यार जल्दी जल्दी मैं जाऊँ और कबूतर देखूँ कि हमारे लिए कौन से कबूतर आए हैं, क्योंकि तबीयत भी मेरी बहुत ख़राब है, बुखार भी है, नज़ला भी है, और हिम्मत भी नहीं हो रही। ठेठू साहब आप ठीक हुई हो कि नहीं हुई है, सारे बीमार हो गए इकट्ठे, खैरियत है ना, हैं हुआ ठीक कि नहीं हुआ, हुए हूँ कोई भी ठीक नहीं हुआ, जिस दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है, तो अंधेरा बाहर फुल, ये देखिए अब दिल कर रहा है जाऊं या ना जाऊं, छत बना के ना चारपाई लेके बिस्तर लेके सो जा। अच्छा मैंने कबूतर लेने जाना है, मैं उधर की बात करूँ, मैं छत से नीचे जाने की बात नहीं कर रहा, फाइनली तैयारी कर लिया, सोच लिया कि फाइनली चले जाते हैं और कबूतर ले आते हैं, वो कहते हैं ना कल कर सो आज कर, आज कर सो अभी कर, यार कल भी जाना है, आज भी जाना है, अभी भी जाना है, तो अभी निकल जाते हैं, है काफ़ी ज़्यादा ठंड, मैंने चादर ले लिया तो उससे लपेट लेंगे अपने आप को, फाइनली पहुंच गए हम कबूतरों के पास, हमारे कबूतर हैं ये,
ये वाले हमारे कबूतर हैं, एक दो तीन चार। और तो नहीं अली भाई, यहाँ पर छुपाई तो नहीं है? ये देखिए इनके पास एक कैटो है, यहाँ हम नॉर्मल सिंपल कैटो है ना, पर्शियन वगैरह तो नहीं है, पर्शियन है। कहाँ से इम्पोर्ट हुई है? बाहर गली से इम्पोर्ट हुई है और बहुत ज्यादा मालूम है। ये देखें, काटती तो नहीं है ये ना, चक डाले और पता लगे उंगली साथ चली गई है। हमारी कैटो से अच्छी है, हमारी कैटो तो हाथ में ही नहीं आती। हम कबूतर रिसीव करने हैं तो हमें सब्सक्राइबर मिल गए। क्या नाम है आपका? सुभान। और आपके भाई का क्या नाम है? क्या क्या नाम है? हमीदुल्ला। कौन सी वीडियो देखते रहते हो? लास्ट कौन सी वीडियो देखी है? चलो अभी पता चल जाएगा। जू वाली, जू में क्या था? मैंने पहले कबूतर देखे थे, चूजे देखे। कबूतर और चूजे देखे हैं। अच्छा तो आज गुजरते हुए भाई का स्टॉल लगा हुआ था, भाई के पास आए, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पड़ी है, लेकिन अब मुझे इसमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी फिश लें। भाई कहते हैं कि आप बेफिक्र हो जाएं, जो आपको मैं चीज़ दूंगा ना वो आप खुशी खुशी ले जाइएगा, वो देखने वालों को भी अच्छी लगेगी और आपको भी अच्छी लगेगी। यार ये तो मुझे बहुत अजीब सी मछली लग रही है, बहुत ज़्यादा अजीब सी। आते साथ मूसा मिल गया मुझे। क्या है इसमें? मछली आ रहा। निकालो। क्या है? टेप है। टेप लगी है, तो उतारो ना टेप। ओ मुझे ये क्या है? किसके कबूतर? अंकल के। है अंकल के। कौन से अंकल के? जिसने हमको कबूतर दिया। जिसने हमको कबूतर दिया है? किसने अंकल ने कबूतर दिया? आपको तो पता ही नहीं किस अंकल ने। जिसने बैल मुझे बैल मूसा के। ये फैल टांग दिया। ये मेरे हैं। ऊपर छोड़े इनको। छोड़े। आप अभी आप ऊपर नहीं आओ, आप सुबह आना। अच्छा अच्छा। अपने न्यू पिजन को ऊपर ले आए हैं और हमारी जो कैटो है ना वो बैठी हुई है, वो पिजन की खुशबू आई है ना इसको, तो छत पे पहुँच गया। ये देखिए इसके काम, ये बैठी हुई है। चल चल गंदी। अब कबूतरों को पकड़ के इनके अपने पोर्शन में इनको आज़ाद करते हैं। ये काटा नहीं उठा के ना इसके अंदर रख देते हैं, गर्म रहेंगे तो ये काम ठीक रहेगा। असीब भी आ गया। असीब काटन उठाओ ना, पूरे का पूरा काटन अंदर रख दो, गर्म रहेंगे इसमें। पैक करो, बस वापस पैक करो। सुबह देखने तो दो ना। हाँ छोड़ो, सुबह देखेंगे यार, सर्दी है बहुत। इधर पड़े रहे, इसको बंद कर लो। बाकी तो माशाल्लाह हमारे सेटअप पर गोल्डन और टेढ़ी कबूतर भी आ गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मिनी जू को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने पेट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।